हमारा फायर डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट बहुत आग पर काबू पाया एग्जीबिशन का टाइम था, पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, उस वजह से जो अरेंजमेंट किए गए बहुत फास्ट लेवल से किए गए और एग्जीबिशन को बंद किया गया। लोगों को वापस जाने की अपील की गई, काफ़ी लोग वापस जा चुके हैं और बच्चे कुचे लोग हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आप वापस जाइए और रास्ते भी खुल चुके हैं और जहाँ तक हो सके फायर डिपार्टमेंट मुकम्मल तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और अच्छी तरीके से जहाँ तक हो सके आग पर काबू पा गया। काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, मगर अल्लाह का फज़ल हुआ कि किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान हुआ उसके लिए हम सीएम साहब से बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत से स्टॉल अदर स्टेटों से भी आते हैं, अभी मुझसे कश्मीर के स्टॉल के लोग भी मिले हैं, उसे रोकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। मैं तमाम आवाम से अपील करता हूँ जो एग्जीबिशन में है और तमाम स्टॉलों के ओनर से, तो हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, पुलिस के साथ कोऑपरेट कीजिए, फायर डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट कीजिए, पुलिस के पूरे बड़े बड़े अहदेदार यहाँ पर है, फायर के डीजीपी पर यहाँ पर है, पूरे अपने अमला मुस्तैदी से उसको आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है और काबू पा चुके हैं। थोड़ा सा जो लोगों में बेचैनी है वो हम दूर करना चाहते हैं, सबको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप कोई किस्म की फिक्र मत कीजिए। यकीनन हमें बहुत दुख है जिनका नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, मगर माल से ज़्यादा जान की अहमियत होती है, अल्लाह के फजल करम से ऊपर के भगवान की कृपा से किसी जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान का जो भी हुआ है यकीनन उसे कल पूरा सर्वे किया जाएगा और उन लोगों को मैं दिलासा दिलाता हूँ, आप परेशान होने की बात नहीं, इंशाल्लाह आगे जिस तरीके से हो सके जरूर की जाए। देखिए तकरीबन 125-130 के ऊपर गए, 150 तक गए, क्योंकि एक सीरीज के अंदर जो दुकान होते वो आप फैलते चले गए और बहुत अच्छी तरीके से काबू पाया गया, मगर जो नुकसान हुआ वो तो हकीकत में हुआ, उसके लिए आगे जरूर हमारे सीएम साहब से बताया जाए। कोई जख्मी नहीं है और किसी का कुछ ऐसा हादसा नहीं हुआ और मगर इतना है माली नुकसान हुआ है और पानी मारने की वजह से उनका जो भी माल था नहीं ऐसा नहीं था, पूरे फैरिंजन का पानी खत्म होता था, जितना हमारा फायर डिपार्टमेंट इतना फास्ट काम किया है और बहुत परफेक्ट डिपार्टमेंट है, डेफिनेट पूरे जितने फैरिंजन है पूरे पानी से भरे हुए, ये खत्म होने के बाद यकीनन दूसरा अटैच किया जाता है वो बात करें, मगर फैरिंजनों में वाटर टैंकर बहुत माकूल इंतजाम में थे और बहुत कोशिश करते हुए डेफिनेट कल, अभी तो रात का टाइम है, अंधेरा है, ज़रूर कल इस हादसे में जो भी किस वजह से हुआ उसके ऊपर पूरे तफसीली जायजा लिया जाएगा और उसकी इंक्वायरी।